बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपको। आजकल बारिश का सीजन चल रहा है, आप सबको पता है, और बारिश के सीजन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसलिए क्योंकि चार बूंदे पड़ते ही बिजली भाग जाती है, और जैसे ही बिजली भागती है बच्चे बाहर की तरफ भागते हैं, बाप अंदर की तरफ। आमतौर पे तो पत्नी कहती है, एजी सुनते हो? उस दिन पति कहता है, हाँ जी सुनती हो। उसके बाद वो किसी की नहीं सुनता। एक साल बाद पूरा मोहल्ला खुशखबरी सुनता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो बच्चे की शादी हो जाए ना तो माँ पहले कहती, बेटे पोते का मुंह और दिखा दे, तो बेटा एक दो साल तक तो टालता है। माँ को पता मैं इसे कितना भी कहूँ ये टालेगा जरूर, तो माँ क्या करती है, सलाई उठाती है, स्वेटर बुनना शुरू कर देती है। वो स्वेटर बुनता देख बेटे पे प्रेशर आ जाता है। स्वेटर पूरा होने से पहले वो उसको पोता दे देता है कि नहीं तो ये जान खाएगी। जैसे ही पोता हुआ माँ कहती है, बेटे मैं ऊन लेने बाजार जा रही हूँ। अकेला कब तक खेलेगा, इसके साथ भी तो कोई खेलने वाला चाहिए। बच्चा फिर सलाई तोड़ के फेंकता है कि तेरे चक्कर में मेरे ऊपर माँ बहुत प्रेशर आ रहा है। तो मैं बात कर रहा था बारिश की, मुंबई की बारिश अलग है, हमारे यहाँ की बारिश अलग है। हमारे यहाँ तो जब लड़की कॉलेज जाती है ना, हम उसे उसी टाइम पे चुनते हैं मौका प्रपोज करने का। बारिश के दिनों में लड़की कॉलेज जाती है तो हम पहले ही वो गड्ढा ढूंढ के रखते हैं सड़क में जिसमें पानी भरा हो। जैसे ही लड़की पास से आती है उसे बोलते हैं, हाँ बोल रही है, करू छपाक। भाई साहब जो तीन बार रिजेक्ट कर चुकी है हाँ करके जाती है वो। और बारिश में फिसला हुआ आदमी ना, बारिश में सर जब आदमी फिसल के गिरता है ना, वो ऐसे उठता है, इतना जल्दी उठता है जैसे नवाजुद्दीन मौत को छू के ठक से वापस आया हो। तुरंत कोई देख ना ले, बड़ी सावधानी बरतता है। कुछ लोगों को आदत होती है बारिश में भी बाहर सोच करने जाने की। कुछ लोग जाते हैं आमतौर पे भी, सरकार मना कर रही है लेकिन वो फिर भी जाते हैं। सोच को थोड़ी पता है कि बारिश हो रही है। जो लोग सोच करने के लिए बारिश में जाते हैं ना बाहर, उन्हें बारिश के दिनों में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि खेत गीले होते हैं। जैसे ही वो जाते हैं उनके दोनों पैर धस जाते हैं। अब वो बैठ तो जाते हैं फिर उठ नहीं पाते। उसके बाद वो इधर उधर देखते हैं तो दो खेत दूर उन्हें एक आदमी बैठा दिखता है। वो आवाज लगाते हैं, ओ भाई फंस गया, जरा निकाल दिए। कहता है, दो दिन से मैं खुद फंसा हुआ हूं। क्या है बारिश, सैलेज सबकी बारिश अलग है, अमीर की बारिश अलग है। अमीर आदमी बारिश में भीग के घर आएगा, उसे देख के बीवी रोमांटिक होगी और उसके साथ गाने पे डांस करेगी। लेकिन मिडिल क्लास आदमी जैसे ही बारिश में भीग के घर आए, पत्नी चिल्लाती है, भीग के आया, खबरदार घर के अंदर आया तो बाहर ही खड़ा रहे। पति डर जाता है, पति एक कोने में खुद खड़ा हो जाता है, दूसरे कोने में छाते को रख देता है। अब दोनों से पानी टपक रहा है, जिसका पानी जल्दी सूख जाता है पत्नी उसको अंदर ले लेती है। और अमीर आदमी तो बारिश में भीग के आए, उसकी बीवी रोमांटिक ही रहती परमानेंट, ओ डार्लिंग तुम भीग के आए हो, चलो शावर ले लो, वही कपड़े उतार देना। पत्नी चिल्लाती है, जब तुम्हें पता था बारिश आने वाली, ऑफिस में नहीं रुक सकता था तू, मौत आ रही थी, दो घंटे ऑफिस में रुक जाता, ओवर टाइम भी मिल जाता नास पिटे। वो सोचता है, यार इससे अच्छा तो मैं ऑफिस में ही रुक जाता, वो सही रहता। बारिश के मौसम में क्या होता है, मिडिल क्लास आदमी के घर में पानी भरने लगता है तो पूरी मैन पावर वहां लग जाती है। बाप भी लगा हुआ मग्घा लेके, बेटा झाड़ू लेके लगा हुआ पानी निकालने, बिटिया वाइपर लेके लगी हुई निकालने में, फिर भी पानी काबू में नहीं आता तो माँ शर्मा के कहती, क्यों जी आपको नहीं लगता कि मेन पावर कम है? अगर एक मेन पावर और होती तो पानी इतनी जल्दी निकल जाता, पूछो मत। तो इनके तो मेन पावर बहुत कम है गांव में, पूरा गांव लगता है पानी निकालने के लिए। और जैसी बारिश होती है ना, अमीर आदमी का मूड बनता है, वो डार्लिंग से कहता है, डार्लिंग पकौड़े बना लो।
फिर वो बड़े बड़े पकौड़े बनाती है और पति छोटे छोटे पैक। वो पी रहा है, गांव वाला आदमी कहते हैं, अरे भाग्यवान सुनती हो आज बारिश का मौसम है, मुर्गा बना लो। तो पत्नी पहले तो मुंह बनाती है, फिर गुस्से में पति पटियाला बनाता है। मुर्गा वुर्गा तो बनता नहीं, बच्चे को कोने में मुर्गा बनाता फिर। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा विवाह, क्या बात है। बारिशों में सही में मिडिल क्लास में ऐसा ही होता है। जो तुम कह रहे थे मैं उसको बहुत रिलेट कर रहा था कि मैंने वो जिंदगी देखी है। और देखी क्या, जी है, खूब जी है। बरसात आते ही मतलब हमारे घर में तहलका हो जाता था। घर का कोई कोना ऐसा नहीं था जो टपकता ना हो। और चूंकि बाहर तो सबसे छोटा तो हम पे ही आना था, जाके कभी ऊपर वो पतरे लगा रहे हैं लोहे के, कभी कपड़ा फंसा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, सारी जिंदगी यही निकाल दी। और आवाज़ें भी ऐसा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो अमीर घर में बारिश आती है डार्लिंग डार्लिंग हो जाता है। और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, पहली आवाज़ बारिश आती क्या होती है, छत पे जा कपड़े सूख रहे लेके आ, भीग न जाए। ये हमारे जीवन की सच्चाई है, क्योंकि मिडिल क्लास में जिंदगी की सच्चाइयाँ हैं, इसीलिए वहाँ बची हुई कुछ अच्छाइयाँ हैं।